वेलकम टू सीधी रसोई से। आज हम बनाएंगे प्याज पनीर के पराठे, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो प्याज लिए हैं, एक हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा लिया है हरा धनिया, और इसको हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। सबसे पहले मैं प्याज को कट कर लेती हूँ। सबसे पहले प्याज को बारीक बारीक चॉप करेंगे, क्योंकि पराठे में हमें प्याज को भरना है, तो बारीक बारीक चॉप करेंगे तभी प्याज का पराठा अच्छे से भरने में आएगा, नहीं तो वो बाहर निकलते हुए प्याज निकल जाते हैं, तो इसलिए बारीक प्याज को कट करेंगे। और यहाँ पर मैंने ऑनियंस काट लिया है, तो अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च को भी कट कर लेती हूँ। हरी मिर्च को भी बारीक टुकड़ों में कट करेंगे। और हरी मिर्च अगर हम इस पराठे को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्च को हम स्किप कर सकते हैं। और ये मैं यहाँ पे हरे धनिया को भी कट कर लेती हूँ। ये जो मैं पराठा बना रही हूँ, ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतर बहुत ही बढ़िया आइडिया है। बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में रखेंगे तो बच्चे एकदम खुश होकर खाएंगे। और अब यहाँ पे मैं एक चम्मच नमक, मतलब चौथा सा चम्मच, और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा इसमें कच्चा ही जीरा डालूँगी मैं, क्योंकि जब हम पराठा सेकेंगे तो ये जीरा रोस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डालना है मैंने इसमें गरम मसाला, हल्का सा डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर खटास के लिए, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के पहले हम इसमें थोड़ा सा पनीर क्रश कर लेते हैं। तो ये मैंने घर पे ही पनीर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको ग्रेटर से क्रश कर लूँगी थोड़ा सा। और अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। पराठे की स्टफिंग तैयार हो गई है एकदम। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसको हमने अच्छे से मिला दिया है, सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, ये एकदम रेडी है। इसको साइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूँ का आटा पहले से गूंथ के रखा हुआ था, जो पर नॉर्मल पराठे के लिए बनाते हैं आटा या रोटी के लिए बनाते हैं वही आटा इसमें काम आ जाता है, तो मैंने इसको पहले से गूंथ के रखा हुआ था। काफ़ी अच्छा सॉफ्ट हो गया है। और अब इसमें से हम एक पेड़ा ले लेंगे पराठे बनाने के लिए, और साइड कर देते हैं। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूखा आटा लूँगी, जिसमें मैं लोई को अच्छे से डिप कर लूँगी, और उसके बाद में हम इसको बेलेंगे बेलन से, बहुत ही हल्के हाथ से बेलेंगे, क्योंकि पराठों के लिए थोड़ा आटा ढीला ही लगाया जाता है, बाकी नॉर्मल रोटी के लिए थोड़ा जैसे रहता है उस तरह से। और अब हम छोटी सी लोई एक पूड़ी तैयार करेंगे, और उसके ऊपर हम बीच में इसमें स्टफिंग भर देंगे। थोड़ा सा इसमें हम अंदर मोइन के लिए लगा रहे हैं, इससे और भी सॉफ्ट और एकदम बढ़िया पराठा बन जाएगा, सॉफ्ट एकदम। तो इसमें मैंने पहले हल्का सा ऑयल लगा दिया है, और अब इसमें स्टफिंग दे रही हूँ मैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है स्टफिंग भरने में ही, और देखिए पराठा बनने के बाद तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसको चारों तरफ से फोल्ड करते हुए बीच में दबा दिया है मैंने इसको। इस तरह से पराठा किसी का भी भरेंगे और दबाएंगे तो वो कभी भी फटेगा नहीं। तो इस तरह से हम पराठे को बीच से बेलेंगे, और देखिए पराठा बिल्कुल बढ़िया एक तरफ से, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, मतलब नॉर्मल मीडियम साइज में रखना है। और यहाँ पे मैंने तवे को प्रीहीट कर लिया था, अब मैं इसमें पराठा डाल देती हूँ। इसमें पराठे को हम रोस्ट करेंगे, एक तरफ से जब सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे, और इस तरफ से हम इसमें ऑयल लगाएंगे। एक तरफ से जब सिक जाता है तो उस तरफ हम ऑयल लगा देंगे, और पलट कर दूसरी साइड को भी हम ऑयल करेंगे। एक बार इधर से ऑयल पूरा हो जाएगा तो हम इसको दूसरी तरफ भी पलटेंगे, और दूसरी साइड पलट के उस तरफ भी ऑयल लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसको पलट दिया है, और इधर भी ऑयल लगा दिया है मैंने। दोनों तरफ से उलट उलट करके क्रिस्पी होने तक इसको सेकेंगे, और एकदम ब्लैक नहीं करना है इसको, ब्राउन मतलब सेकना है इसको, दवा दवा के बढ़िया है पराठा, एकदम क्रिस्पी करारा एकदम बढ़िया मस्त पराठा, जो बच्चों के टिफ़िन में हम जब रखेंगे तो इसको कट करके भी रख सकते हैं। इसको नाइफ से चार टुकड़ों में अपन
पिज्जा के जैसे कट कर सकते हैं पिज्जा कटर से, और बच्चों के लंच बॉक्स में हम इसको सेट कर सकते हैं। घर पर नॉर्मल खाने में हमें इसे दही के साथ में और चटनी के साथ किसी के साथ में भी एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर ये तैयार हो गया है, तो मैं इसको उतार लेती हूँ। और ये मैंने दूसरा पराठा भी इस पर डाल दिया है। इस पराठे को भी हम उसी तरह से एक तरफ से दूसरी तरफ से एक तरफ से पराठा मतलब ऑयल लगाते हुए सेकेंगे। तो ये देखिए पराठा तैयार हो गया। एक दूसरे पराठे को भी हम उलट पुलट करके सेक लेते हैं। और यहाँ पे मैंने दूसरे पराठे में भी ऑयल लगा दिया है। यहाँ पर मैंने ये दो पराठे तैयार किए हैं। दोनों ही पराठे क्रिस्पी और करारे होने तक मैंने रोस्ट किए हैं, और रेड ब्राउन होने तक इनको मैंने मतलब तवे पर सेका है। इसको ज़्यादा मीडियम मतलब नॉर्मल फ्लेम पर सेकेंगे तो ये जलेगा नहीं, और एकदम हाई फ्लेम पे ये जल जाता है, वो क्रिस्पी नहीं रहता, वो कड़वा हो जाता है ज़्यादा हाई फ्लेम पर सेकने से। तो ये यहाँ पे मैंने दोनों पराठे सेक के तैयार कर लिए हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए खाने में भी बहुत टेस्टी है, आप लोग इसको ट्राई करें। बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं प्याज और पनीर के, बहुत ही टेस्टी अमेजिंग। तो आप यहाँ पे इसको बना कर खाएं, एंजॉय करें। यहाँ पे देखिए मैंने इसके लिए एक प्लेन दही का रायता बनाया है। इसके लिए इसको दही के रायते से या फिर चटनी से भी खा सकते हैं, ग्रीन चटनी से। तो मैंने यहाँ पे इसको दही से खाया है। इसमें मैंने भुना हुआ जीरा डाला है और थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है दही के रायते में। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल प्लेन रायता इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर जो सब्जियाँ हैं वो प्लेन रायते के साथ में बहुत अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर दिया है, को मिक्स कर देते हैं नमक और जीरे को। तो यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद में हम पराठे का एंजॉय करेंगे। बहुत ही और अब मैं जा रही हूँ पराठे का एंजॉय करने के लिए। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।